हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 12 ऐसे फ्लावर प्लांट दिखा रही हूँ जो वाइट कलर के हैं। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो कलरफुल प्लांट आप गार्डन में लगाएंगे तो गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। रंग बिरंगे फूलों से गार्डन की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज जो भी प्लांट मैं दिखा रही हूँ सारे वाइट कलर के हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं और हार्डी प्लांट है। एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है पहला प्लांट, मिनी चांदनी। मिनी चांदनी में इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अप्रैल से लगातार फ्लावरिंग करने वाला ये खूबसूरत सा प्लांट मिनी चांदनी है। और चांदनी की भी कई वेराइटियाँ होती हैं, उसमें से पहला प्लांट है मिनी चांदनी। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस समय पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है और इसमें हर रोज़ फूलों से भरा रहता है ये। और काफ़ी फ्लावर भी काफ़ी लंबे समय तक प्लांट में बने रहने के कारण इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। दूसरा प्लांट है ये देखिए चंपा, वाइट चंपा। और चंपा की भी कई वेराइटियाँ होती है, कई कलरों में चंपा आती है। तो मैं आज आपको वाइट ही चंपा दिखा रही हूँ। चंपा एक आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर प्लांट है और इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, इसके फ्लावर से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो वाइट कलर की चंपा भी आप अपने गार्डन में लगाएं, देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। और मेरे पास चंपा की कई वेराइटियाँ हैं और ये वाइट चंपा भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो आप चंपा के प्लांट को भी इस समय लगा सकते हैं क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय भी हमारे वहाँ बारिश हो रही है तो सितंबर का महीना भी कटिंग लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है। सितंबर और अक्टूबर में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखो ये प्लांट जो मैं तीसरा दिखा रही हूँ, मंडेविला। मंडेविला एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक वाइन होती है और ये कई कलरों में ये प्लांट मिलता है। तो मेरे वहाँ वाइट कलर की फ्लावरिंग इस समय हो रही है। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है, बहुत छोटा सा प्लांट है और इसे मैं एक स्टिक के सहारे ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। तो मेरे पास इसके काफ़ी कलर हैं, अभी केवल वाइट में ही फ्लावरिंग हुई है। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ये प्लांट भी और ये आलमांडा की तरह ही दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। और ये एक पेरिनियल प्लांट है, इसे आप एक स्टिक के सहारे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा चलता है। और हमेशा आपके गार्डन में थोड़ी सी केयर के बाद अब ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। सर्दियों में दिसंबर और जनवरी दो महीना ये थोड़ी पत्तियां गिरा देता है, उसके बाद फिर से ग्रीननेस इस प्लांट में बनी रहती है, हरा भरा बना रहता है। जब भी आप इसे लगाएं तो इसके लिए 60% आप गार्डन सोयल और 40% इसमें कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करें। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ चांदनी, बड़ी चांदनी। ये भी मैंने एक गमले में लगाई हुई है। देखिए गमला कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है और इसके खूबसूरत फूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से भी हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आती है और बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट। देखिए अगर मैं इसे ज़मीन में लगा दूँगी तो ये ट्री आकार ले लेता है। मैंने इसे गमले में लगाया है तो इसकी हाइट 2 फीट से ज़्यादा नहीं जाती है और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है, देखिए कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर आए हुए हैं और इसके फूल भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इसमें बने रहते हैं। और ये स्टार नुमा फ्लावर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। चांदनी की तो कई वेराइटियाँ होती है, इसमें डबल पैटर्न में भी आते हैं फ्लावर। तो देखिए अब मैं दिखा रही हूँ आप मुसंडा का प्लांट। मुसंडा भी इस समय पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। दिसंबर और जनवरी दो महीना ये रेस्ट में रहता है, उस समय ये पत्तियाँ गिरा देता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है जैसे प्लांट बिल्कुल मर सा गया है, परंतु फिर फरवरी आते ही इसमें नई नई पत्तियाँ आने लगती है और ये फिर से मार्च से फ्लावरिंग करने लगता है। इसके फ्लावर भी काफ़ी लंबे समय तक प्लांट में बने रहते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट भी। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इसमें इस समय बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पूरा प्लांट वाइट रंग के फूलों से भरा हुआ है और देखिए कितने बड़े बड़े इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो ये भी कई कलर वैरायटी में इसके प्लांट मिलते हैं, रेड, वाइट, पिंक और येलो।
कई कलर में मुसंडा के प्लांट मिलते हैं, तो इसे भी आप अभी लगा सकते हैं और कटिंग से भी मुसंडा का प्लांट लग जाता है। बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये। थोड़ी सी केयर के बाद ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए नागचंपा, वाइट रंग की कलर में नागचंपा आती है। इसकी पत्तियों का आकार नाग के फन के आकार का होने के कारण ये नागचंपा इस प्लांट को कहा जाता है, और इस समय ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से ये भरा रहता है, और इसके फ्लावर भी काफ़ी लंबे समय तक प्लांट में बने रहते हैं। और इस समय भी आप नागचंपा की कटिंग लगा सकते हैं, और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। तो नागचंपा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, और इसमें खुशबू नहीं आती, इनके फूलों से खुशबू नहीं आती है। और देखिए नाग के फन के आकार की इनकी पत्तियां हैं, और कटिंग बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं, और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो एक दो दिन के लिए कटिंग काटने के बाद आप रख दें, क्योंकि इसकी स्टेम में ही लिक्विड निकलता है, तो वो जब ड्राई हो जाए तब आप इसकी कटिंग लगाएं, और नॉर्मल मिट्टी में यूं ही दबा दें आप, तो बहुत आसानी से इसके प्लांट बन जाते हैं। और मैंने ये कई प्लांट इसके कटिंग से बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कामिनी की ये ड्वार्फ वैरायटी है, और इसमें इतनी ज़्यादा इस समय फ्लावरिंग हो रही है। कामिनी में कई बार फ्लावरिंग होती है, और पूरा छोटा सा प्लांट है, देखिए छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है, और कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रही है। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है, और इसमें बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बहुत खुशबूदार पौधा है ये, और वाइट कलर के इसमें फूल आते हैं। अब है बेला, बेला भी पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहने वाला एक खुशबूदार पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, और इसे भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग लगाएं, और बहुत आसानी से बेला की कटिंग लग जाती है। यूं ही कटिंग काटकर आप नॉर्मल मिट्टी में लगा दें तो बेला के प्लांट बन जाते हैं। तो कटिंग से लगाना बेला को बहुत ही आसान है, और बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट। वाइट रंग के इसमें फूल आते हैं, और भीनी भीनी सी खुशबू आती है इन फूलों से। यह है कचनार का प्लांट। कचनार भी दो प्रकार का होता है, एक उसमें फलियां लगती हैं, उसको आप वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्लावर वाला कचनार है, और इसमें वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर वाले मिलते हैं। देखिए कितने खूबसूरत है इसके फ्लावर, कमल के जैसे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है मेरे वहाँ। देखिए पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है, वाइट कलर के इसमें फूल आते हैं, और ये भी पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है। कई बार इसमें फ्लावर आते हैं, और बहुत लंबे समय तक इसमें बने रहते हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है, इसे आप जब भी लगाएं धूप में रखें, और ये पूरी गर्मी और बरसात भर फूल देता रहता है। बहुत सुंदर दिखाई देते हैं इसके फूल, देखिए कमल जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसे भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो आप इसकी कटिंग अभी लगा सकते हैं, अभी इसका कटिंग लगाने का समय है। ये देखिए कामिनी की दूसरी वैरायटी है, ये मैंने गमले में लगाई है। ये बड़ी कामिनी है, परंतु पौधा छोटा है, और फ्लावरिंग इसमें बराबर हो रही है, काफ़ी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, और कई बार इसमें फूल आ चुके हैं। बस जब छोटा सा प्लांट था तब भी इसमें फूल आ रहे थे। ये प्लांट मैंने कटिंग से बनाया हुआ है, और बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और भीनी भीनी सी खुशबू इन फूलों से आती है। तो ये देखिए कामिनी की ये दूसरी वैरायटी है, वो मैंने छोटी वैरायटी दिखाई थी, ये बड़ी वाली है, परंतु इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट भी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पीस लिली। पीस लिली में भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है गर्मियों में। अप्रैल मई जून में इसमें फ्लावरिंग होती है, और इसमें ग्रीन चमकीली बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है, और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, ये एक इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं इसके फ्लावर, और ऐसे ही फ्लावर आते हैं इसमें, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट भी। और एक ये एक पेरिनियल प्लांट है, और लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपने इसे लगा दिया तो एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। देखिए चांदनी की ये दूसरी वैरायटी है डबल पैटर्न में।
इसमें गुलाब की तरह फूल आते हैं और बहुत सुंदर प्लांट दिखाई देता है। और इस समय मेरे वहाँ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। चांदनी भी पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है और काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए, इसकी पत्तियों का आकार कुछ बड़ा सा है और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है। देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ आपको गुड़हल। गुड़हल में भी वाइट कलर में कई वेराइटियाँ होती हैं और इसमें मेरे पास ये सिंगल पैटर्न में है और बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावर आ रहे हैं। बिल्कुल वाइट है और देखिए कितना प्योर वाइट है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसमें भी गुड़हल में भी सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न में भी वाइट के आते हैं। ये सिंगल में है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है वाइट कलर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, गुड़हल एक पेरिनियल प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और हमेशा ये फ्लावरिंग करता रहता है। और इसे कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है। आप इसकी कटिंग आप ये लगा सकते हैं और इसके कई प्लांट आप बना सकते हैं। देखिए, गुड़हल की कई वेराइटी होती है। ड्वार्फ वेराइटी में भी ये वाइट कलर मिलता है और ये बड़ी वेराइटी है। ये अगर मैं ज़मीन में लगाऊंगी तो ये ट्री आकार ले लेगा, बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इससे अधिक से अधिक फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट भी। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरे आपको वाइट कलर के फ्लावर प्लांट कैसे लगे। देखिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।